बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सम्मान अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पे दूर दूर से आए हुए सारे देश के मेरे साथियों और मेरी बहनों सबको जय भीम नमो। मेरे पास तो वैसे भी बहुत सारी बातें तो मेरे भाइयों और बहनों ने हर पहलू पे बात करी, तो मैं उसको दोहराऊंगी तो नहीं, कुछ मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो एक मैं महिला हूँ, तो महिलाओं के लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ जितने हमारे भाई लोग आए कम से कम वो अपने माता बहने उनकी पत्नियां किसी ना किसी महिला को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में जरूरी है, क्योंकि अगर एक दल से एक इंसान राजनीति में होता है तो उससे फर्क पड़ता है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग जब तक महिला सशक्त नहीं बनेगी उस देश का समाज सशक्त नहीं बन सकता। यहाँ पर मुझे अपनी बहनों की कमी बहुत खल रही है मुझे, तो मैं अगले बार यही चाहूंगी कि आप लोग उन्हें घर के सूखे चौके से बाहर निकाले और अपने परिवार को और अपने समाज को हमारे SC ST OBC समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। दूसरा बिंदु मेरा यह है कि हमारे समाज के छोटे छोटे से संगठन है, अहिरवार समाज है, जाटव समाज है, बर्मा समाज, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे समाजों में हमारा समाज बटा हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा इतना बड़ा जो परिसर संगठन है तो उससे जितने भी छोटे छोटे संगठन है उनको जोड़ने की हम कोशिश करें। अगर वो छोटे छोटे संगठन जुड़ते हैं तो ये हमारा परिसर का परिवार बहुत विशाल होगा, तो इससे हमारा समाज को भी मदद मिलेगी। दूसरा ये है कि हर महीने, वैसे तो ये बात हो चुकी है, हर महीने हम कुछ ना कुछ राशि, चाहे वो 50 रुपए, 100 रुपए या वो जिससे अगर कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तो इकट्ठा हम नहीं दे पाते हैं, हमको थोड़ा सा वो लगता है, तो अपने श्रद्धा के अनुसार आप लोग हर महीने कुछ ना कुछ छोटी मोटी राशि जरूर यहाँ परिषद में जमा करवाएं। जमीनी स्तर पर जरूर काम, सोशल मीडिया में तो परिसर और हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज के दौर में देखिए पेट्रोल डीजल सब चीज नहीं हो तो आप अपने खर्चा करें, लेकिन आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे हम समाज में रह रहे हैं तो उसमें आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप जागृति ला सकते हैं, उसमें आप परिसर से उनको जोड़ सकते हैं, आप जहाँ में वही अपना काम कर सकते हैं। तो मेरी एक यही दरख्वास्त है। दूसरा यह है आरक्षण को अब सिर्फ नाम के लिए रह गया है कि आरक्षण, ये सरकार ने सारे आरक्षण हमारे जो हक थे, हमारे जो जितने भी एक्ट थे उनको खत्म करने या खत्म तो कर ही दिए, हमको नौकरियों में आरक्षण नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, और जो प्राइवेटेशन है उसमें भी हमारे लिए कोई जगह नहीं, वहां पर भी जाति देंगे हम, हमारे बच्चे IIT MIT सब में पढ़े हुए हजारों बच्चे हमारे निकल रहे, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, हजारों इंजीनियर निकल रहे बेचारे 5-6 हजार की नौकरियां करते हैं। तो प्राइवेट जितने भी प्राइवेट है संस्थान उसमें हमारा जरूर परिषद को काम करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ की जनता शायद शुद्ध अवस्था में है, इतना सब कुछ सरकार कर रही है लेकिन हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, इसको सड़कों में लाना बहुत जरूरी है। और हमारे जितना भी समाज के अलग अलग वर्ग है उसको इकट्ठा करके, ये नहीं बोले कि हम अहिरवार में या हम बर्मा में या हम फटी में, हम सिर्फ एक है और एक ही रहेंगे, इसको आप लोग जरूर, भारत जी ने जो बोला है रोटी लेटी का नाता जरूर रखें। अगर हम अपने ही समाज में भेदभाव रखेंगे तो दूसरे लोग तो रखते ही है भेदभाव, तो हम अपने समाज में बिल्कुल भेदभाव न रखें, हम किसी भी उस जाति से लोग हरवार हो जाते हो कोई, तो हम अपने रिश्ते वहां जोड़े अपने अलग अलग समाज में, तो ये समाज आगे बढ़ेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े परिसर से जुड़ी हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी के
कर रहे हैं तो ये मेरा बहुत खास भाग्य है।